సృష్టికర్తా లోకకర్తా సర్వకారణకర్త. वो देखिए कुछ लोग हमारी ओर आ रहे हैं. ये हमारा साथी बोल रहा था कि किसी मानव को बेचने की बात हो रही है. कौन है वो? मैं बेच रहा हूँ, खरीदोगे? आप खरीदूंगा क्यों नहीं, हमें अपने अधीन काम करने वाले एक डोम की बड़ी आवश्यकता है जो मरघट में हमारा प्रतिनिधि बनकर कर वसूल करेगा. परंतु सुन लो कान खोल कर, हम बहुत कठोर है काम निकालने में. हाँ, आ, 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 डोम का कार्य मैं करूंगा. मैं जो भी कार्य स्वीकार करता हूं उसे पूरी निष्ठा से करता हूं, पूरे उत्तरदायित्व से करता हूं. महाशय आप मुझे खरीद लीजिए. अच्छा ये तो बताओ तेरा मूल्य क्या होगा? हट, मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ. कोई बलवान हाथी पर चढ़ अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक रत्न ऊपर फेंके तो वो रत्न जितनी ऊंचाई तक जाएगा उतनी ही ऊंचाई तक की धनराशि चाहिए मुझे. इतना धन? अरे चल चल चल, क्या तारी का मटका समझ रखा है खरीदने के लिए? तुझे क्या मालूम कि ताड़ी होती क्या है, उसे पीने पर कितना आनंद आता है. उसे पीकर देखो, ब्रह्मा का दर्शन हो जाएगा. हाँ? अरे मुझे ना तो तेरे साथ जाना है ना तेरे साथ बैठकर ताड़ी पीनी है. अब बोल, खरीदेगा या नहीं? जब खरीदने आए हैं तो हम खरीदे बिना थोड़े ही चले जाएंगे. हम पीठ दिखाने वाले मनुष्यों में नहीं है, समझ लो खरीद लिया. परंतु ये बोलो हमारे इस दास का नाम क्या है? हाँ, श्री 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 हरिश्चंद्र सम्राट. क्या कहा? श्री श्री श्री, इतना बड़ा नाम हमें अच्छा नहीं लगता. हमारा नाम वीरबाहु और हमारे इस दास का नाम वीरदास होगा. तुझे अच्छा लगा वीरदास? आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है, और जब आपने मुझे खरीद ही लिया है तब मेरी कोई अपनी इच्छा होनी भी नहीं चाहिए. ठीक कहा तुमने. वीरदास इधर आ जा. ताड़ी का यह मटका अपने कंधे पर रख, और ये कंबल भी ले. मरघट चल, वहां मिलता हूं तुझसे. ए ब्राह्मण, मेरे साथ आ, धन दे देता हूं. मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए. मैं आपके उपकार का ऋण कभी नहीं चुका सकूंगा. ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे अपने आप से घृणा हो गई है राजन. मैं बड़ा लज्जित हूँ अपने कर्मों से. कर्म कर्ता पूर्ति के साधन होते हैं, और मैंने उन्हीं कर्मों में रत रहकर आपको अनेक कष्ट पहुंचाए हैं, और वे सारे कष्ट आपने हंसते हंसते झेल लिए.
अपना वचन निभाने के लिए आपने अपना राज्य छोड़ा, अपनी पत्नी को बेच डाला, पुत्र से बिछड़ गए। आप जैसा सत्यव्रती, सद्गुणशील, त्यागी राजा न कभी हुआ है न होगा। इतिहास आपको सदा स्मरण रखेगा। आप धन्य है राजन, धन्य। चलो ब्रह्मा, अरे ओ पिशाचिन, कुएं के पास ही पड़ी रहेगी या कुछ काम करने का नाम भी लेगी? अभी आई माता। अब बस भी करो विनय का ही अभिनय। जानती है, घर की सफाई करनी है, बर्तन मांजने हैं और वस्त्रों की धुलाई करनी है। ये सब करोगी कब? याद रखो, तुम्हें ये काम करने के लिए ही हमने अपार धन देकर खरीदा है। अरे बछड़े ने सारा दूध पी लिया और किसी ने देखा तक नहीं। अरे ओ नास मिटे, यही चुपचाप बैठे देख रहे हो, क्या अंधे हो गए हो? माता इसे ना पीटिए, ना पीटिए माता। ना पीटू तो क्या करूं? गोद में लेकर लोरी गाऊं, इसका माथा चूमूं या आपके सिर पर बिठाकर नाचूं? मत तविलिए भागा। मनुष्य की अंतिम यात्रा का अंतिम सोपान, प्राणहीन शरीर की रूपरेखाओं का यही अंत हो जाता है। इस मरघट में न जाने कितने राजाओं की अंतिम क्रियाएं हुई होंगी, जिन्होंने रत्नजड़ित सिंहासन पर बैठकर अपने क्षणभंगुर जीवन को अमर समझा, अपने वैभवों को शाश्वत माना। न जाने कितनी नई नई ब्याही वधुओं की मधुर कल्पनाएं, उनके सुंदर भविष्य के सुनहरे सपने इस मरघट की मिट्टी में मिल गए होंगे। संतान की मृत्यु पर माताओं के आंसुओं से न जाने यहां के कितने पत्थर पिघल गए होंगे, कितने ही प्रख्यात कवि, कलाकार और चित्रकार यहां सदैव के लिए विश्राम करते होंगे। ये मरघट एक शाश्वत सत्य है, मनुष्य की अनश्वरता का प्रतीक। न जाने मेरा भी कैसा भाग्य है जो मृत्यु के पूर्व ही मुझे यहाँ खींच लाया है। वीरदास,
देख लिया मरकट अच्छी तरह से? यही मेरा क्षेत्र है जहां कार्यरत रहकर मैंने धन अर्जन किया है, और इसी धन अर्जन से मैं और मेरा परिवार बहुत ही सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु तुमने तो अपना और अपने परिवार के बारे में कोई विवरण ही नहीं दिया। अब तुम्हारी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? वे सकुशल हैं। परंतु हैं कहाँ? दुर्भाग्य ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। अब हम नदी के वो दो तट हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाते। मेरी विवशता ने मुझे मेरी पत्नी और पुत्र को बेचने पर बाध्य कर दिया। अब वो एक धनी के यहाँ दासी बनकर काम कर रही है। जीवन के ये उतार चढ़ाव, ये ज्वार भाटे बहुत ही विचित्र होते हैं वीरदास। परंतु मुझे अब विश्वास हो गया है कि तुम ये कारभार बड़ी सतर्कता से संभालोगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे स्त्री और संतान की कोई झंझट नहीं है। हाँ। सुनो, तुम तो जानते ही हो कि मनुष्य के कर्म कुछ भी हो, कैसे भी हो, किंतु मृत्यु उसके लिए अटल सत्य है। ऐसे मृत्यु दंडित लोगों के शव यहां जलाने के लिए लाए जाते हैं। कर के रूप में तुम्हें वसूल करना पड़ेगा एक स्वर्ण मुद्रा, एक नया कपड़ा और चावल। इनको वसूल किए बिना यहां का क्रियाक्रम होगा ही नहीं। जो आ गया। अपना कर्तव्य दृढ़ संकल्प के साथ निभाओ। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता मुझसे सहन नहीं होगी। हाँ, जो आ गया। अभी तक रसोई का काम पूरा नहीं हुआ, भूखा रखकर हमें मार डालना चाहती हो? तुमने तो हमारी शांति छीन ली। अभी हो जाएगा माता, अब तक क्या करती रही अभागल? तुम जैसी नीच स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी, मुझे मार डाला रे। हम भी कितने मूर्ख हैं जो इतना मूल्य देकर तुम्हें खरीदा। ध्यान से सुनो, आज तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। उसी समय कम हो गई, तेरी मीठी मीठी बातों से मेरी सारी पीड़ाएं आप ही अब दूर हो जाती हैं। वे सदा इतना क्रोधित क्यों रहती है माँ? हमारा दुर्भाग्य है पुत्र, ये दुर्भाग्य उनसे ऐसा कहलवाता है। माँ, हम यहाँ से कब चले जाएंगे? माँ, तुम्हारे पिताश्री हमें शीघ्र ही ले जाएंगे। तुम सो जाओ पुत्र, सो जाओ, नहीं तो वो डांटेगी। अभी सोए और अभी सुबह भी हो गई। रात को आप शीघ्र ही सो गए थे यजमान। तो रात भर मेरे पैर दबाते ही रहे।
हाँ? ये तो मेरा काम है यजमान। विदास, तुम बड़े काम के जीव हो। दास हो तो ऐसा हो, तेरी कितनी भी प्रशंसा करूं कम है। आगे जाकर लोग कहते ही जाएंगे कि यजमान हो तो वीर बाहु जैसा और दास हो तो वीरदास जैसा। हाँ, भाग फूटे तेरा। उठ उठ रे नास पीटी, उठ उठ रे उठ। दैया रे दैया, क्या गपशप कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें काम ही क्या है? ताड़ी पीते हो और खर्राटे लेकर सो जाते हो। दास, तुम्हारी बुद्धि क्या घास चिरने गई जो इनके साथ बातों में लगा रहा? तू जानता नहीं, सवेरे सवेरे मुझे ताजी ताड़ी चाहिए। जाओ जल्दी एक मटका ताड़ी ले आओ। जी। वीरदास, तुमने कभी ताड़ी पी है? नहीं अजमान। नए मटके में नई नई ताड़ी हो और साथ में नई नई चोरी। वाह आनंदी आनंद। वीरदास, इनकी बातों में नहीं आना। जा मेरे लिए ताड़ी लिया ताजी। जी। दैया रे दैया, भाग फूटे तेरा। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहैः तेजस्विनावधीतमस्तु मा वद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इतना साहस, हमारे साथ उठने बैठने का ये धैर्य? भूख लगी है माँ जी। भूख लगी है तो घास खाओ, भूसा खाओ। कालकंठी, अपना मुंह बंद रखो। चलो चलो। क्या हो गया वीरदास, मुंह लटका क्यों खड़े हो? आया मटका कंधे से गिर गया और फूट गया यजमान। दैया रे दैया, भाग फूटे तेरा। मटका गिरा कैसे? डाली से लगकर। ये तो बड़ा नर्थ हो गया और वो भी सवेरे सवेरे। दैया रे दैया, ये तो बहुत बुरा शगुन है। इतना भय क्यों खाती हो? क्या हो गया, मटका ही तो फूटा है ना? दैया रे दैया, नया मटका फूटा तो इसका अर्थ ये हुआ कि पत्नी विपत्ति में है। ताड़ी नीचे गिरी तो इसका अर्थ ये हुआ कि पुत्र के प्राण संकट में है। दैया रे दैया, क्या कर दिया तूने? मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर देने से ये विपत्ति कैसे टलेगी? मुझे और मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो? मटका फोड़ा है इसने और विपत्ति तुम पर कैसे आएगी? हाँ, तो इसी की पत्नी और इसी के पुत्र पर विपत्ति की बिजली गिरे, बस हमें कुछ ना हो, इसी का भाग फूटे। ए, क्यों बोलती है ऐसा? हाँ, शिव शिव, ऐसा मंगल ना हो। हे देवताओं, मेरी पत्नी और पुत्र की रक्षा करना। रोहित,
कितनी निर्दयता से पीटा है माता ने, परंतु करें क्या, अपने भाग्य को दोषी ठहराने के सिवा और क्या कर सकते हैं। भूख लगी है माँ। माँ के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि वह अपने पुत्र को पेट भर खिला भी नहीं सकते, उसके योगक्षेम का आवश्यक प्रबंध भी नहीं कर सकते। हे भगवान, किस पाप का दंड में भुगत रही हो। कुछ खाने को दो माँ। तेरी ममता का क्या वर्णन करूं? बस बहुत हो गया। इतना मूल्य देकर तुमको इसलिए खरीदा कि तुम दोनों खाओ पियो और निश्चिंत पड़े रहो। रात का बासी अन्न इसे खिला रही थी। नहीं माँ, मेरा लाडला, मेरा पुत्र।